सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी रविंद्र जडेजा को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच में खेले जा रहे सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल में आज भारतीय टीम के गेंदबाजों ने अपना तहलका मचा कर रख दिया है। और आपको बता दें कि भारतीय टीम की तरफ से मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा ने तो विरोधी टीम के परखच्चे ही उड़ा कर रख दिए हैं। चलिए आपको बताते हैं कि फिलहाल इस मुकाबले का पूरा ब्यौरा क्या है। पहले दिन के खेल में भारतीय टीम ने बल्लेबाजी करी और बल्लेबाजी करते हुए 242 रन बना दिए थे। इस दौरान टीम की तरफ से पृथ्वी शॉ ने अर्धशतकीय पारी खेली तो वहीं चेतेश्वर पुजारा और हनुमा विहारी ने भी अपनी टीम के लिए अर्धशतक लगाया। दोस्तों, इसके जवाब में जब पहले दिन के खेल में ही न्यूजीलैंड की टीम की बल्लेबाजी शुरू हुई तो न्यूजीलैंड की टीम दिन का खेल खत्म होने तक 63 रन बिना किसी विकेट के गवाए स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। अब दोस्तों, जैसे ही दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो पूरे मुकाबले का पासा ही पलट गया। इस बार भारतीय टीम के गेंदबाज शायद कुछ अलग ही रणनीति से मैदान पर आए थे और इस रणनीति के साथ दूसरे दिन के खेल की शुरुआत से ही भारतीय टीम के गेंदबाजों ने आज न्यूजीलैंड की टीम की बखियां उधेड़ कर रख दी। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि पहली पारी में न सिर्फ रविंद्र जडेजा ने शानदार गेंदबाजी करके दिखाई बल्कि उन्होंने एक ऐसा कैच भी पकड़ा है जो कि इस बार कैच ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा जा सकता है। तो यह कैच इतना ज्यादा शानदार है कि इसे देखने के बाद मैदान में खड़े खिलाड़ियों को भी यकीन नहीं हुआ। यह पूरा वाक्य है पारी के 72वें ओवर का। गेंदबाजी करा रहे थे मोहम्मद शमी और स्ट्राइक पर खड़े थे बल्लेबाज वैगनर। भारतीय टीम इस समय तक अब न्यूजीलैंड की टीम के 8 बड़े विकेट ले चुकी थी लेकिन 9वां विकेट मोहम्मद शमी और रविंद्र जडेजा ने मिलकर कुछ इस तरीके से लिया कि सबको हमेशा याद रहेगा। 272वें ओवर की 5वीं गेंद 140 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से द्वारा डाली गई गेंद थी। इस पर बल्लेबाज वैगनर ने एक बेहद ही करारा शॉट खेल दिया। मिडॉन पर फील्डिंग कर रहे थे खिलाड़ी रविंद्र जडेजा जिन्होंने पलक झपकते ही डाइव लगा दी और एक हाथ से इस कैच को पकड़ लिया। दोस्तों, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जडेजा ने जब यह कैच पकड़ा तो उनके पांव हवा में कितनी ऊपर तक उछल गए थे। जिस शानदार तरीके से जडेजा ने अपनी टाइमिंग को दिखाया और इस कैच को पकड़कर परफेक्ट तरीके से मैदान पर उतरे वह भी देखने वाला था। दोस्तों, जडेजा का यह कैच इतना शानदार था कि बल्लेबाज वैगनर भी अपना सर झटकते नजर आए क्योंकि यह पूरा वाक्य केवल पलक झपकते ही हो चुका था। शॉट निकला और जडेजा ने इस कैच को पकड़ लिया। कप्तान विराट कोहली से लेकर मोहम्मद शमी ने भी उनकी जमकर सराहना करी। भारतीय टीम का प्रत्येक खिलाड़ी और खुद जडेजा तक चौंक गए थे। कमेंट्री कर रहे खिलाड़ियों ने तो इसे कैच ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी नवाजे जाने वाला कैच तक कह दिया। और आप तस्वीरें देख के अंदाजा लगा ही सकते हैं कि यह कैच कितना ज्यादा मुश्किल था लेकिन जडेजा ने इसे कितना आसान बना दिया। तो जडेजा की फील्डिंग हमेशा ही भारतीय टीम के काम आती रही है। हाल ही में संजय मांजरेकर ने उन्हें पूरे विश्व का सबसे बेहतरीन फील्डर भी बताया था। शायद यही बड़ी वजह है कि जडेजा हमेशा टीम का हिस्सा भी बने रहते हैं। बल्लेबाजी और गेंदबाजी में से भी उनका योगदान रहता है। जडेजा के शानदार कैच को आप सभी 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ऐसी ही सभी ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।